लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं बक्सर की धरती पर, यह विश्वामित्र का जगह माना जाता है, यहाँ पे लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। यहीं नहीं, पूरे बिहार में लोकसभा के चुनाव माहौल बन गया है। और खासकर बिहार और यूपी में जब चुनाव का समय आता है तो जनता में जागरूकता ज़्यादा हो जाती है, उनको उल्लास हो जाता है कि अब क्या करेंगे, अब सत्ता परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे, या पिछले सरकार से खुश हैं या सरकार को तख्ता पलट करके दूसरे सरकार की बात करेंगे। अब 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको लगता है कि चाहते हैं कि जो केंद्र में सरकार है वो सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा हैट्रिक बनाए? बिल्कुल बने, तभी देश आगे जाना जाएगा, विश्व में गुरु बन करके उभरेगा। नरेंद्र मोदी को फिर से बुलाना हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम रेगुलर इनको 15 साल तक और रहना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। लोग की अपनी अपनी राय हो सकती है ना, लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि प्रजातंत्र है ना, बहुत कम लोगों की ऐसी राय बनेगी, बुद्धिजीवियों की तरह राय नहीं हो सकती, बुद्धिजीवी नहीं चाहेंगे, मैं समझता हूँ। अच्छा, आप पूजा कर रहे हैं, टीका लगाए हुए हैं, जो स्वाभाविक के पंडित होंगे, तो आपको लगता है कि सनातन धर्म पे जैसे ही महागठबंधन की सरकार आती है या जहाँ भी जिस स्टेट में महागठबंधन की जो एंटी मतलब बीजेपी के अलावा दूसरी सरकार है, तो वहाँ पर हिंदुओं पर सनातन धर्म पर हमला होता है, उन पर उनकी छवि पर हमला होता है, और कई सारी ऐसी घटनाएँ हैं, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए या आप सीमांचल में चले जाइए, तो इसके ये भी जरूरी है, सनातन धर्म मेरा हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, तो इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ सनातन, मैं सनातनी हूँ समझ लीजिए, और मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी हमारे ऐसे शख्सियत हैं कि सिर्फ सनातन धर्म का ही रक्षा नहीं करेंगे, इस जितने धर्म है मानने वाले लोग हैं उन लोगों की भी रक्षा करने की शक्ति में है। हाँ, ये किसी धर्म की कभी कुछ नहीं कहते, ये कहते हैं दूसरे धर्म के विरोध भी नहीं करते, नहीं करते हैं, तो इनसे बढ़िया कौन होगा? बिल्कुल, तुम जी और हमको भी जीने, हाँ जीने दो, यस यही लाल में विश्वास करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए बक्सर में आते हैं, बक्सर में दो बार से अश्वनी चौबे बने हैं, तो आप लोग को लगता है कि अश्वनी तो यहाँ भी थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। अश्विनी कुमार, देखिए हम लोग नरेंद्र मोदी को देख करके अगर यहाँ से नहीं जाते हैं, अश्विनी चौबे को सिर्फ मिल ही जाती है, तो अब हमसे आपको पूछना क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न कीजिए आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को देखते हुए वोट कर दूंगा, लेकिन भारी मन से करूंगा, रो कर करूंगा। अच्छा, भारी मन से करूंगा इनको, अश्विनी चौबे जी हाँ, भारी मन से करेंगे। अगर उनको रो कर बोलते रहा, ऑप्शन नहीं है इसलिए जी हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होना हम देखिए, जो बक्सर क्षेत्र है ना बहुत उर्वरा है, ऐसी बात नहीं है, रेगिस्तान नहीं है यार, एक से एक विद्वान है, एक से एक बुद्धिजीवी हैं, हर लोग हैं, तो क्यों उन्हीं को दूसरे को दी जाइए? लेकिन हमको लगता है कि मेन स्ट्रीम से हाँ। जैसे कि राजधानी के आसपास जितने भी जिला हैं उस जिला के पक्ष, भले हाईवे बन गया और रोड बन गया, क्योंकि यूपी से कनेक्टिविटी है, बनारस में एमपी साहब नरेंद्र मोदी हैं, तो बनारस आपका लगता है कि बक्सर लगता है कि थोड़ा सा साइड में, डेवलपमेंट में थोड़ा सा साइड है? थोड़ा सा नहीं, बहुत साइड है। तो यहाँ क्या है महाराज बताइए, गिनाइए हमको, फैक्ट्री है यहाँ पे, कोई फैक्ट्री है क्या बता दीजिए? नहीं है यहाँ, जब विश्वामित्र मुनि का यह तपस्थल है, भगवान राम खुद आए अपने भाई लक्ष्मण को लेकर के, सिर्फ एक जाइएगा गंगा घाट पर तो थोड़ा घाट बना है, उसके बाद में क्या बना है यहाँ पर, पर्यटक स्थल बना है क्या? इससे बढ़िया बढ़िया जगह है हिंदुस्तान में जहाँ पर्यटक स्थल बन गया, लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं बना? अब आपके लिए समय भी तो कम नहीं है, 10 साल रहे, 15वां साल में जाने की बात कर रहे हैं, क्या पर्यटक स्थल नहीं होना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों, हम तो प्रश्न करते हैं उनसे जो लोग आए उस पद पर। लास्ट ये पूछने की सवाल नहीं है, क्योंकि आपके दोनों अपने आदमी हैं। नहीं, मेरे अपने आदमी तो वो है जो कुछ करता है क्षेत्र में। अच्छा, ऑप्शन आपको दिया जाए तो किन को ऑप्शन में चुनेंगे जी? ऑप्शन अगर आपको दिया जाए कि इसके अलावा और किसको चाहते हैं, ऑप्शन आपको दिया जाए तो किसको आप चुनेंगे? ऑप्शन मैं समझता हूँ कि हमसे बढ़िया ऑप्शन देने वाला दिल्ली में बैठा हुआ है, जो देगा स्वीकार जो है, कोई भी भाजपा का आएगा वो हमारे लिए पूज्य है, अगर नहीं आता है तो भारी मन से कर देंगे। हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? दयाशंकर मिश्र जी थे, इन्होंने अपनी राय रखा, हम और लोगों से बात करने को, कुछ युवा से भी बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं बोलेंगे आप सर? क्या नाम हुआ सर आपका? सुभाष प्रसाद जी। ये बताइए, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी?
नरेंद्र मोदी है, ये है, ये है, ये फिर हैट्रिक मारना है, एकदम मारना है। लेकिन 10 साल ये भी रह गए, कुछ और को मौका मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए, लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक नहीं। हाँ ठीक है, स्थिति नहीं है। मेरा नाम सुधीर कुमार पांडे है, मैं चौरामपुर का निवासी हूँ। विकास के नाम पर ये बताइए कि पहला तो यहाँ पर कि ये तीर्थ स्थल होते हुए भी तीर्थ स्थल का कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा विकास नहीं है जिससे कि आकर्षित हो, जैसे मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ और अन्य तीर्थ हुए, छोटे छोटे स्थल साउथ के भी, उत्तर के भी, हर जगह विकसित हुआ, परंतु जिस तपोभूमि जहाँ महर्षि विश्वामित्र जैसे मुनि थे और उनके तीर्थ स्थल जहाँ रामचंद्र जी का चरण पड़ा, जिनके जरूर पर इस गंगा के घाट को राम कहा जाता है, राम रेखा घाट। तो पहली बार सुने हैं, पहली बार सुने कि विश्वामित्र के जन्मस्थल, अगर इस तरह से पहले से ही अगर कुछ इस तरह का तीर्थ स्थल होगा, आने के बाद मुझे पता चला, भले मेरे हिस्ट्री हम नहीं पढ़े होंगे, हमारी गलती है, लेकिन अगर शायद ये कुछ इस तरह से काम हुआ होता तो शायद पता चल जाकर। नहीं, यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, इनका तो बहुत बड़ा कमी है कि आपने अपने क्षेत्र का विकास किया, रोड से विकास, रोड तो संसद, ये तो केंद्र का विकास है, लोकल क्षेत्रीय सांसद और विधायक उन्होंने क्या किया, आपका क्या अवदान है, आपके पास फंड आता है, एमपी फंड आता है, विधायक फंड आता है, कहाँ यूटिलाइज होता है, जनता को भी तो पता होना चाहिए, उसका भी तो कम से कम एक खाका आप पार्लियामेंट में देते हैं, कोई आदमी विधानसभा में देता है, अरे भाई आप जनता को भी दीजिए, जनता का पैसा है, जनता का विकास, और जनता का विकास बताइए, जनता का राशि बताइए कहाँ खर्च किया है, लोगों को दिखे। दूसरी, आपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा अच्छा विकास नहीं किया है, एक हाँ एक हुआ है कि चूरामपुर में एक हॉस्पिटल का, प्राथमिक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, परंतु इसको भी विकसित करना है, क्योंकि ये कम से कम 5 से 7 किलोमीटर एरिया को ये कवर करेगा, तो इसका अच्छा एक स्पेशलिस्ट भी यहाँ होना चाहिए, बेड भी होना चाहिए, पर्याप्त महिला और पुरुष दोनों के चिकित्सक होने चाहिए, डिलीवरी सिस्टम होना, जैसे मदर्स डिलीवरी होना चाहिए, ये प्रसव का इसका भी सब ये होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है ये, और ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने के लिए शिशु मातृ प्रसव के लिए इस सब का भी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। तीसरी बात है कि आप इस क्षेत्र को पुराना होते हुए भी विकास तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस पर पूरा विशेष ध्यान होना चाहिए। तीसरी बात मेरा जो बहुत प्रमुख है, हर जिला में, बिहार के हर जिला में कहीं ना कहीं एक औद्योगिक विकास हुआ, कहीं मुजफ्फरपुर में ज़्यादा विकास हुआ, समस्तीपुर में विकास हुआ, दरभंगा में विकास हुआ, यहाँ के सांसद और विधायक कहाँ हैं, जो यहाँ के भी मैंने यहाँ के रोजगार, लोकल लोगों का रोजगार भी तो चाहिए, व्यवसाय भी तो पैदा होना चाहिए, आपने क्या व्यवस्था किया है। हमारा एक अनुरोध है कि यहाँ का लोकल सांसद और लोकल विधायक यहीं के क्षेत्र के लोकल निवासी होना चाहिए, जिससे कि कम से कम यहाँ के लोगों को कम से कम उनके पास पहुँचने का साधन हो, वो अपनी बात फ्रेंडली पहुँचे, लोग फ्रेंडली जरूरत है, कहीं बाहर से इम्पोर्टेड ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ये चलिए ठीक है, इनका राय है, हम कुछ युवाओं से राय लेते हैं, हम सर युवाओं से बात करते हैं। सर आप नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी, दो टर्म रह चुके हैं, तो आखिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं मौका मिला? नहीं, नीतीश जी अपने विकास के रास्ते से भटक गए हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, उनका जो फर्स्ट टर्म था उन्होंने काफ़ी अच्छा विकास का काम किया, लेकिन जब आदमी अति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में वो विकास के रास्ते से भटक गए, जिस कारण कि अब आम जनता जो है, जनमानस में उनके प्रति जो है सो नकारात्मक भावना चला गया है, जिस कारण लोग अब उनको पसंद नहीं कर रहा है। और अगर आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो नरेंद्र मोदी आप गुजरात से देख करके और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक देख लीजिए, वो हमेशा कभी भी अति महत्वाकांक्षी नहीं रहे, उनकी जो ही महत्वाकांक्षा रही वो देश राज्य हमेशा देशवासियों के लिए सोचे। तो इससे ये है कि हमेशा मतलब नीतीश कुमार से कंपैरिजन नरेंद्र मोदी का हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। चलिए आप ये बताइए, एक सवाल और है लास्ट में, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, आप लोग चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में वहाँ का लोकल MP विधायक या MLA कोई हो? बिल्कुल, लोकल हर क्षेत्र में अच्छा होता है, लोकल जो होता है वहाँ के वास्तविकता से उसका परिचय रहता है, जो वहाँ पे
क्या करना है, रूट से पता, रूट से पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई पैरासूट कैंडिडेट कहीं पे आता है तो उसको तो पता नहीं होता, सिर्फ अपना आया जीत के चला गया चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन कोई भी जो लोकल कैंडिडेट होता है उसको पता होता है, रूट से जुड़ा होता है, वहाँ पर ज़मीनी जुड़ाव रहता है, वो हमेशा वहाँ के अच्छे और अच्छे के लिए सोचेगा, जो भी वहाँ पे कमियाँ होंगी उसको दूर करेगा, हमेशा जनमानस के लिए उपलब्ध रहेगा। तो इसलिए हमेशा जो है चाहे पार्टी कोई भी हो, अच्छे और लोकल कैंडिडेट पे हमेशा भरोसा करना चाहिए, और जनता को भी देखना चाहिए कि उसके लिए कौन सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार है, जो कि उस हमेशा उसके लिए अवेलेबल है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सवाल, दो बार से सोनी चौबे यहाँ से एमपी बन रहे हैं, भले आप लोग बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के चेहरा देख करके एमपी में लोग कई लोग ऐसे जीत गए, अगर अश्विनी चौबे के दोबारा मिलता है टिकट तो आप खुशी मन से वोट देंगे या किसी और को ऑप्शन मिलता है तो किसी और को? देखिए, लोकसभा में जो ही वोटिंग होती है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे होती है, तो उसमें तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, आम कार्यकर्ता जो ही भारतीय जनता पार्टी का है वो उसको सपोर्ट करेगा, चाहे वो चौबे जी हों या कोई और हों। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाना चाहिए तो यहाँ के जो भी लोकल उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। चलिए, इनकी राय थे, क्या नाम हुआ आपका सर? मनीष कुमार। मनीष कुमार, ये मनीष जी हैं, बक्सर से हैं, और इनकी राय है कि जो लोकल लोग होते हैं उनको रूट पता होता है, ज़मीन से हर बात, वहाँ की जनता की वस्तुस्थिति सारी बातें जानकारी होती है, और उनकी जनता भी उनके पास बहुत नज़दीक से पहुँच सकते हैं, बिना लाव लश्कर के साथ उस एम पी तक, अपने एम पी तक पहुँच सकते हैं। लास्ट, क्या नाम हुआ आपका? हरदन पांडे। नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? क्यों अच्छा काम किए हैं? बिल्कुल, राष्ट्रहित में सब जो काम करते हैं। अच्छा, राष्ट्रहित में काम करते हैं। हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि। हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र, आपकी बातों को हम पकड़ लिए। हाँ, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जात धर्म नहीं देखते? नहीं नहीं। चलिए, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? हाँ, तो नरेंद्र मोदी का बात कहाँ करना है, नरेंद्र मोदी का देश नहीं जो विश्व में चर्चा है, तो नीतीश कुमार का क्या उनके सामने नाम ले रहे हैं? नीतीश कुमार उनके सामने जीरो जीरो जीरो। मोदी जी का जब किसी भी विदेश में झंझट होता है तो जाके सुलहनामा करा देते हैं, मैं करते हैं, विदेश में मोदी जी का चर्चा है, नीतीश कुमार का तो जलन है, मोदी जी के विकास पर, उनके नाम पर नीतीश जी का जलन है, इसलिए सारा भोगोड़ा पार्टी को एकदम जमघट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, तो उस अभी पार्टी में तो मुख्यमंत्री है, अब अभी आपको प्रधानमंत्री के लिए मारामारी होगा। कौन प्रधानमंत्री? कौन होगा? तो वो अभी तो अभी छोड़िए ना, अभी लोकसभा आते आते सब टूट जाएगा। लालू यादव बोले हैं कि इस बार सुब्रत साहब, लालू यादव को छोड़िए ना, लालू यादव के तो घोटाला का वो केस है, कितना घोटाला, लालू यादव के तो बिहार की जनता पहचान गई है, तो वो तो नीतीश कुमार संगे मिलकर अपना जान बचा गए। मोदी जी जैसा बहुत सौभाग्य इस देश का है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। तो यहाँ के बक्सर की जनता से आपने सुना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का भाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा देश का नेता मिला, और 2024 में भी ये लोग हैट्रिक बनवाएंगे, नरेंद्र मोदी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। कई लोगों का कहना है कि राष्ट्र सर्वोपरि, और राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं, और अपने राष्ट्र के साथ साथ दूसरे राष्ट्र का भी ख्याल रखते हैं। कई सारे ऐसी समस्याएं हुई, कोविड की समस्या हो या कई सारी समस्याएं जो दूसरे देश को भारत के द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस देश को सहायता किया, या यूक्रेन का मामला हो या कई सारी मामला हो, जैसे ऐसी मामलों को नरेंद्र मोदी ने उस मामले को सलटाया है। मैं शंभु कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, बक्सर। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।